कैसे हो आप जीके भाई। मास्टर सन्नी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षा मंत्री ने जो बड़ी घोषणा की है उसके बारे में। बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज और एग्ज़ाम में भी देरी हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। नई दिल्ली, कोरोना वायरस। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन को एक बार फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते देश भर में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे और बोर्ड की परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रहेगी। हालांकि इस बार लॉकडाउन में अलग अलग जोन के हिसाब से थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर पहले की तरह ही पाबंदी लगी रहेगी। रेल, हवाई, मेट्रो यात्राएँ सभी बंद रहेंगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और ट्रेनिंग कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इनके अलावा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं, धार्मिक स्थल सभी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के बढ़ने से बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देरी हो सकती है। लॉकडाउन के तुरंत बाद आयोजित होने वाली परीक्षाओं के बारे में राज्य बोर्ड और यूनिवर्सिटी जल्द ही नई घोषणा कर सकती है। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों के बारे में स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं कैंसिल नहीं होगी बल्कि स्थिति सुधरने पर परीक्षाएँ फिर से आयोजित कराई जाएगी। लेकिन अब दोबारा से लॉकडाउन के बढ़ने पर बोर्ड की परीक्षाओं में देरी हो सकती है। सीबीएसई बोर्ड अब 17 मई के बाद ही बोर्ड एग्जाम आयोजित कराने पर विचार कर सकता है। सीबीएसई के अलावा काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससीई ने भी साफ कर दिया है कि आईएससी और आईसीएसई बोर्ड के बचे हुए पेपर कैंसिल नहीं हुए हैं बल्कि एग्ज़ाम जल्द ही आयोजित किए जाएंगे। हालांकि जेईई मेन और नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर सामने आई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम की नई तारीखों की घोषणा 5 मई को की जाएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।